तुर्की और सीरिया से दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां दोनों देशों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.8 मापी गई है। भूकंप से दक्षिण पूर्व तुर्की और सीरिया में भारी नुकसान की खबर है। चारों तरफ तबाही का मंजर देखा जा रहा है और यहां पर जान जाने वाले का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, वहीं कई लोग घायल हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। भूकंप से सीरिया में भी भारी नुकसान हुआ है। अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है, 200 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तुर्की में आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.8 मापी गई है। ये भूकंप दक्षिण तुर्की में आया है, जहां कई अपार्टमेंट ढह गए हैं। लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। वहीं भूकंप के बाद तुर्की ने अंतर्राष्ट्रीय सहायता की अपील की है। जानकारी के मुताबिक भूकंप सुबह 4:17 पे आया। इसके 11 मिनट बाद 6.7 तीव्रता का दूसरा भूकंप आया। इसका केंद्र जमीन से 9.9 किलोमीटर नीचे था। दूसरे भूकंप के 19 मिनट बाद 5.6 तीव्रता का तीसरा भूकंप भी आया। लिहाजा कई लोगों के मलबे में दबे होने और मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तुर्की के आंतरिक मंत्रालय का कहना है कि शक्तिशाली भूकंप के बाद हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इस भूकंप में भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।